हेलो फोर हेलो सिक्स क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम्स. येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे. टुडे ठीक है जी, वी येस्टरडे अपन ने कल अपन ने किया था कि भी जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके अंदर जो डेट्स की सिग्निफिकेंसेस है क्या है, और कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो हम जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को अफेक्ट किया था. नाउ टुडे वी विल डू द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन, कि हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, क्लासिफिकेशन आप हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो जो उनके सोर्सेज हैं. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड कल अपन ने किया था कि हिस्ट्री क्या है, हमारे पास्ट की स्टडी है. अब आपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, ऑब्वियसली है इसके लिए हमें सोर्सेज चाहिए. तो जो हमारे सोर्सेज हैं बेटा टू प्रकार के हैं, इसके टू डिवाइड्स दो प्रकार के हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल दूसरे लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल जो पुरातन विज्ञान से संबंधित है, मतलब जिनमें चीज़ों की खुदाई कर करके पता लगाया गया है. लिटरेरी जिनके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हैं. मान लो अगर आपने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमें आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कि भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहाँ पर भी फाइंड किए. और अगर आपने इतिहास के बारे में जाना तो आपको रिटन रिकॉर्ड्स चाहिए, सच एज मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, हस्तलिखित हुई चीज़ें, मतलब कि हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, किसी भी चीज़ को काट कर उसके ऊपर लिखना. कॉइन्स सील्स ये हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देते हैं. इसके अलावा इमारतें, जो हमारे अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में अलग अलग मतलब जो फॉरेन यात्री आए थे, क्रॉनिकल्स उनके रिकॉर्ड हैं, कहते जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ठीक है जी, दीज आर द सोर्सेज वेयर द विच आर्कियोलॉजिस्ट इज केयरफुली एक्सकवेट फ्रॉम द प्लेसेज एंड वेयर एंशियंट पीपल लिव्ड. दे आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड सील. देखो जी, यहाँ पे एक बंदा कुछ चीज़ें फाइंड कर रहा है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है, कहते हैं पुरानी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे पुरातन में काल में इंसान रहा करते थे, उन चीज़ों की वो खुदाई करते हैं जिससे वो हमें डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिलते हैं. इसमें से कौन कौन से सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि उस टाइम की इमारतें, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स यानी कि शिल्पकृति, कॉइन्स, सिक्के और सील्स. मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स. कोई भी मंदिर, किला या महल बनाया जाता है वो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इमारत. ये हमें उन राजाओं के बारे में, इन्होंने कब बनाया था, इसके अंदर क्या, उन टाइम के अंदर लोगों के अंदर क्या स्किल थी, कौन से धर्म को वो फॉलो कर रहे थे, ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है, उस टाइम के मॉन्यूमेंट से पता चलता है. इंस्क्रिप्शंस वर्ड दैट रिटन ऑन समथिंग, जो वर्ड है किसी जगह पर लिखा जाता है. कहते हैं उस टाइम के अंदर जो राइटिंग थी, लोगों के पास पेपर तो था ही नहीं, तो लोग किसके ऊपर रखते थे, सबसे पहले चट्टानों पे, पिलर्स पे, मेटल प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, मिट्टी की टैबलेट्स बना के दीवारों पे, ठीक है जी, उस पे लिखा करते थे. हाउसेस घरों पर, टॉम्ब्स कब्रों पर, इनको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कहते जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहते हैं. ये हमें बताती है कि उस टाइम के अंदर जो राजा थे उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी. ये हमें राजाओं की जीतों के बारे में, सम ओकेजन्स कहते हैं उनके खास जो उत्सव थे, डोनेशंस, जो राजा कुछ भी दान किया करते, ठीक है, सब कुछ हमें किससे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. जैसे कि हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पढ़ता है, पता चलता है. कहते हैं इनकी प्रोसेस, कोई भी स्क्रिप्ट है बेटा उसको समझने की जब कोशिश की जा रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट बोलते हैं. आर्टिफैक्ट्स, शिल्पकृति, आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है, टूल्स, औजार, यानी कि हमारी पोट्री, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ, टॉयज, ज्वेलरीज, कहते हैं उस टाइम के अंदर लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं ये भी हमें खुदाई के दौरान मिले हैं, जो कि हमारे पास्ट के बारे में हमें बताते हैं. उसके बाद आता है क्वाइंस, ठीक है जी, कहते क्वाइंस भी
कहते सिक्के भी हमारे पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। कहते एंशियंट टाइम्स के अंदर जो सिक्के थे वो लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के बना करते थे। कहते ये हमें किसके बारे में बताते हैं कि उस टाइम के अंदर कौन से राज, मतलब कि कौन सा राजा राज किया करता था, उसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसकी ट्रेड रिलेशन, मतलब कि वो दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करता था उसका ट्रेड रिलेशन कैसा होता था। एग्जाम्पल के तौर पर हमें जो रोमन कॉइन्स हैं वो कहाँ पर मिली हैं, एरिका मैडू में मिली हैं, जो हमें बताते हैं कि इंडिया और रोम में क्या चलता था, व्यापार चला करता था। एक हमें कॉइन मिला है जिसके अंदर समुद्र गुप्ता वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो जिससे हमें पता चलता है कि समुद्र गुप्ता को म्यूजिक से प्यार था। द स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स, जो क्वाइन की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सील्स, कहते जो सील्स हैं ठीक है जी, वो भी क्या है, एम्बलम स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी लाइक द, हमें इंडस वैली साइट से मिली हैं जिसके ऊपर एनिमल्स फिगर्स बने हुए हैं, तो कहते ये हमें उस टाइम के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, जस्ट लाइक अ पशुपति सील, ये भी हमें उस टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं। लिटरेरी सोर्सेज, कहते जो रिटर्न रिकॉर्ड्स ठीक है जी हमारे पास्ट की, जो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, कहते जो हमारे पास लिखती रिकॉर्ड है पास्ट की उसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। कहते जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स मानी कि हस्तलिखित रूप में मिले हैं। उस टाइम के अंदर पेपर तो नहीं था इसलिए लोग इसके ऊपर लिखा करते थे, भोजपत्र यानी कि पाम लीव्स के ऊपर लिखा करते थे। इन ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जनरली प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी थी, जो कि आजकल यूज़ नहीं की जाती है। रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, कहते हमें जो धर्म से रिलेटेड भी ठीक है जी जो साहित्य मिला है उसको क्या बोलते हैं, धार्मिक साहित्य बोलते हैं। जैसे कि वेदास हो गए, रामायण हो गई, त्रिपिटक होगी, पुराणास, उपपुराणास, ये भी हमें काफ़ी ज्ञान की नॉलेज देते हैं हमारे पास्ट के बारे में। इनको पढ़कर, इन बुक्स को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि भी उस टाइम के अंदर समाज कैसा था, हमारी धार्मिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर क्या होता है, धर्म निरपेक्ष, जिसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं होता, जिस बुक के अंदर धर्म की बात नहीं की जाती है उसको बोलते हैं सेकुलर लिटरेचर यानी कि धर्म निरपेक्ष साहित्य। कहते ये भी हमें, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर फॉरेन ट्रैवलर्स ने, कहते हमारे जब वो देश में आते थे तो वो अलग अलग राजाओं की बायोग्राफीज, उनकी जीवनियाँ, उनके राज्यकाल के बारे में सब कुछ लिखा करते थे। सम एग्जाम्पल्स आर जस्ट कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, मैक्सनीज के द्वारा ठीक है जी। इंडिका एक मैक्सनीज क्या था, पोइट जिसने लिखी द अकाउंट्स ऑफ फाहियान एंड ह्यून सांग। कहते और हाई फाहियान और ह्यून सांग ने भी हमारा बहुत साहित्य लिखा इंडिया के अंदर। हर्षचरित रिटन बाय भानभट्टा, और भानभट्ट जी ने क्या लिखी, हर्षचरित लिखी, जिसमें उन्होंने अपने राज्य के, मतलब भी राजा हर्षवर्धन के बारे में कि उसने क्या अपने साम्राज्य में हासिल किया, क्या कुछ उसने अपने सारे रीजन के लिए किया है, सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। यस, टुमोरो वी विल डिस्कस अबाउट द बुक वर्क। थैंक यू ऑल ऑफ यू, रीड दिस चैप्टर केयरफुली।